यहाँ पे ऐसे है, वी एस एन एस्पिरेंट, वी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एस्पिरेंट, जो पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टेयरिंग कमेटी का जो बैनर में हम लोग बोला है कि डेमोक्रेटिक मीन्स को हम अपनाया जाएगा, प्रोटेस्ट रैली या धरना, लेकिन हम लोग लास्ट टाइम बोला है कि 17 को हम लोग जो धरना रखा गया था उसको हम विड्रॉ किया गया है, और आज का जो रैली है ये हम लोग पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टेयरिंग कमेटी का बैनर से किया जा रहा, और ये जो पीसफुल रैली है या शाम का 5 बजे तक एज पर ऑर्डर ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द ईटानगर उसका हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। और रहा जो बात कल का और ओथ टेकिंग सेरेमनी का, हम लोग बोला है कि इस ओथ टेकिंग सेरेमनी को स्थगित किया करना किया जाना चाहिए, और हम लोग का तरफ से हम लोग गवर्नर को रिप्रेजेंटेशन दे चुका है कि ओथ टेकिंग नहीं होना चाहिए चेयरमैन का। रहा जो बात कल का जो प्रोग्राम का, ओथ टेकिंग होगा कि नहीं होगा, बंद कॉल होगा कि नहीं होगा, इट्स नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ द पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टेयरिंग कमेटी, इट्स द डिमांड ऑफ द ओल्ड एस्पिरेंट्स, ओल्ड पेरेंट्स, ओल्ड वेल विशर्स, ओल्ड सोशल एक्टिविस्ट, और ओलू का बैनर में, पेरेंट्स का बैनर में ओलू कल बंद कॉल डिक्लेयर किया जाएगा, नॉट अंडर दी बैनर ऑफ पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टेयरिंग कमेटी। इसलिए हमने यहाँ पे अनाउंस किया है कि आज तक जो 5 बजे का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आफ्टर 5 PM द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद गवर्नमेंट, एंड कल का जो बंद कॉल का जो बात है उसमें जो भी आएगा इट्स नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, बीइंग एन इंडिविजुअल, बीइंग एन द प्राइवेट स्ट्रेंथ, आई विल बी ज्वाइनिंग द मूवमेंट। अभी भी काफी समय राउंड टेबल में बैठ के रहेगा, पेरेंट्स का साथ में रहेगा, अंशु का साथ में रहेगा, जब तक ये इशू सोल्व नहीं हो जाता पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टेयरिंग कमेटी डिसॉल्व नहीं होगा। जब ये इशू सोल्व होगा तो पेरेंट्स का जो बॉडी है वो भी डिसॉल्व होगा, पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टेयरिंग कमेटी भी डिसॉल्व हो जाएगा, ये हम लोग का इशू बेस्ड एक कमेटी के तन के पास आधार देते हमको क्या करना है मीटिंग में, यहाँ में बोलते हैं ना प्लेस ऑफ पीस मेकर, गवर्नमेंट को पीस मेकर में बनना चाहिए अभी के समय में, प्रोवोकेटिव में ले जाके नहीं करके बच्चों को अरेस्ट करके ड्रग उनको टेकने वाले नहीं करके, और यहाँ में गुंडागर्दी को यूज करके जब कोई रखता है स्टेयर प्रेरोगेटिव्स वो हम लोग का बस का बात नहीं है। इनफैक्ट अगर ऐसे हुआ है मेरा तरफ से सॉरी मांगता है मैं, हम लोग का प्लेटफॉर्म से अगर कुछ हुआ है तो आई थिंक इंटेंशन वाज जस्ट ये इशू बेस में ही था, आदर देने कोई उसमें ऐसे बोला नहीं होगा, लेकिन जहां तक पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टेयरिंग कमेटी का बात है हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, एस पार्टी लॉ हम लोग बात करेंगे, उसका खिलाफ हम लोग कभी बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं पीपीएल मार रहा हूं कि एक चार सीट सीबीआई वाले और भी कोर्ट में आ गया, उसका केस बहुत कमजोर है, जो उसमें मैंने प्रॉपर्टी का इसे का वो जो है बंद कॉल डिक्लेयर करेगा बोला है, पेरेंट्स लोग जो पेरेंट्स लोग डिक्लेयर करेगा बोला है, और शायद एस्पिरेंट लोग भी कोई सब बोला है कि सपोर्ट करेगा, नाउ इज द प्रेरोगेटिव्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये जो 6 महीना जो टाइम टेकिंग किया है ये लोग अभी जवाब देना पड़ेगा, इसको सवाल पब्लिक सवाल पूछ रहा है, एस्पिरेंट सवाल पूछ रहा है, अगर ऐसा नहीं करना चाहता है हम लोग का जो डिमांड है 5 बजे तक दे दीजिए, प्रॉब्लम एस्पिरेंट भी चुप हो जाएगा, पेरेंट भी चुप हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देखिए जो चेयरमैन का जो 1 साल का जो ये जो अपॉइंटमेंट देने जा रहा है और टेकिंग होने जा रहा है ये कोई बात बनता नहीं है, है कि नहीं? हम लोग इसलिए बोल रहे हैं जो हम लोग का इशू है, जूनियन इशू है, नाउ द गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड, इट्स नॉट माय कॉल। नो अंशु का एग्जीक्यूटिव आया था, अंशु का एग्जीक्यूटिव आया था, वो हम लोग का मुद्दा पे 13 पॉइंट मुद्दा पे अभी भी है, अंशु है, और इशू को जब तक वो जो 13 पॉइंट ऑफ डिमांड को फुलफिल नहीं होता अंशु यहाँ रहेगा। इनफैक्ट शायद वो लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे सकता है, आप लोग सुन लीजिएगा। हम स्वागत करना चाहते हैं और तहे दिल से आप सबको हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि अभी तक और आज तक आप लोग ने आई थिंक एज पर माय व्यू देयर वाज नो हेट स्पीच फ्रॉम द एस्पिरेंट, इफ एनी सो आई बेग पार्डन, लेकिन मेरा ख्याल से हेट स्पीच नहीं था, हेट स्पीच नहीं था, ओल्ड एज वाज द स्पीच
स्पीच वॉज मीन फॉर दिस इशू ओनली, हाउ टू सॉल्व दिस इशू। और आप लोग देख लीजिए, छह महीना जो एस्पिरेंट एग्रीव एस्पिरेंट अगर कुछ गलती सब बोला है उसको माफ कर दीजिए, पब्लिक लोग किसी को भी हार्ट किया है तो माफ कर दीजिए, लेकिन मेरा ख्याल से हेट स्पीच नहीं था। हम लोग इसलिए पब्लिक को अपील करता है, गवर्नमेंट से भी अपील करता है, कोई एस्पिरेंट जानबूझ के जो चौथा लड़का लड़की लोग है भूल से हो गया तो उसको माफ कर दिए, आप लोग भी क्षमा कर दीजिए। बट हुई ऐसे पान और ना चिल्ड्रन ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी, हम लोग अपना मुद्दा पे रहेगा, आधार देते हम लोग बात नहीं करा। इनफेक्ट हम लोग का जब जो आज शुरुआत करते में आप लोग सुना होगा, कहीं भी प्रेस ब्रीफिंग में आप लोग सुना है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं करेगा, कोई कम्युनल बात नहीं करेगा, वी हैव ऑलरेडी गिवन द इंस्ट्रक्शन। तो भाई लोगों ने फोन किया कि हमको एक बार आना चाहिए बोल करके। जब मैं अपना बात रखने से पहले कुछ बात बताऊं, उस समय जब आईजी पार्क में भी ये लोगों का जब रैली हुआ था, इट्स बेटर यू आस्क, इट्स बेटर यू आस्क दिस क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। मैं अभी जर्नलिस्ट हिसाब से खड़ा नहीं हूँ, मैं अरुणाचल का एक युवा। यू हैव सीन सम प्रोवोकेटिव स्पीच ऑन व्हाट बेसिस? इट्स द इशू बेस्ड व्हाट कॉल्ड धरना वाज, सॉरी, पीसफुल रैली वाज देयर। इफ द गवर्नमेंट डिजायर्स विद इन 5 दिस टिल दिस 5 पीएम आल्सो दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। दिस व्हाई आई एम सेइंग आई हैव ऑलरेडी सेड अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी शुड नॉट बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल, इट शुड बी हेल्ड रेस्पॉन्सिबल टू द गवर्नमेंट ओनली। इसीलिए आप लोग यहाँ पर बैठा होगा, द इश्यू इज लाइक दिस। यहाँ पे जो उसके बाद में अपना भाषण को शुरू करता है, आज का जो प्रोग्राम था, आई थिंक ये जो है सबसे पहले क्या होता है कि ये जो पेन अरुणाचल जो हम लोगों ने, अगर आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, डिस्ट्रिक्ट में या फिर अपना परिवार में बदलाव कब कब होना चाहिए, जब ज्यादा करप्शन होता है, जब ज्यादा गलती काम होता है, जो सबको दिखाई देता है, तो जब बदलाव के लिए आवाज एक सोसाइटी है, तब एक जो है बदलाव होता है। हमारे तरफ से व्हाटएवर, हमने उस समय भी कहा था हिंदुस्तान अंडर द परव्यू ऑफ व्हाटएवर राइट्स वी हैव एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, आजादी नहीं मिली है, जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है दैट वी आर एक्सरसाइजिंग। लेकिन जहां तक ये वन कॉल का बात है या फिर यहां पे अदर जो ये इनिशिएटिव है, दोस आर बीइंग इनिशिएटेड बाय द पेरेंट्स, बाय द एग्री पेरेंट्स एंड बाय द अदर जितना भी यहाँ पे आया है। तो हमारा तरफ से तो आज जो पीसफुल धरना जो करना था, वी हैव डन दैट। तो कल का जो भी प्रोग्राम है, दैट इज कम्प्लीटली जो पेरेंट्स का है, बाकी जितना जो भी आया है वो सबका है। लेकिन यहाँ में एक चीज क्लियर है कि हमारा जो मुद्दा है, जो 13 पॉइंट्स का जो डिमांड था, और प्लस जो चेयरमैन का जो अपॉइंटमेंट का हम लोग जो जिसके लिए हम अगेंस्ट कर रहे हैं, जिसको हम अपोज कर रहे हैं, कि अभी भी हम बोल रहे हैं कि दिस अपॉइंटमेंट शुड नॉट हैपन। जो ओथ टेकिंग सेरेमनी जो कल होने जा रहा है, गवर्नमेंट के पास अभी भी समय है, इफ दे वांट विद इन 5 मिनट्स दे कैन डिसाइड, इसको अभी भी पोस्टपोन किया जा सकता है। एंड देन जो पर्टिकुलर जो कैंडिडेट को ये चेयरमैन के जो सिलेक्ट किया है, ही कैन स्टिल बी चेंज, अभी भी समय है। तो इसलिए अभी व्हाट एवर डिसीजन हैज टू बी टेकन, इट्स अपॉन द गवर्नमेंट, वो अभी उसको डिसाइड करना है कि बिकॉज ये जो इश्यू है वो पूरा सबका पब्लिक का पल्स है, इसमें पूरा एक्सपीरियंस का है। नाउ इट्स अप टू द गवर्नमेंट वेदर दिस, अभी इसको कैसे करके रिजोल्व करना है। देखिए यहाँ पे वी फ्रॉम डे वन वी हम एक ही अपना स्टैंड अभी भी बरकरार है, हमारे जो 13 पॉइंट्स है वो स्टिल स्टिकिंग टू दैट। और यहाँ पे जो चेयरमैन का अपॉइंटमेंट का बात या फिर मेंबर्स का अपॉइंटमेंट का बात है, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दोज डिमांड ओनली, दैट इज सब पार्ट ऑफ दैट। तो अभी जैसे कि आप बोल रहे हैं कि वी वेलकम द इनिशिएटिव्स, जो रिफॉर्मेटिव इनिशिएटिव्स है उसको हम वेलकम करते हैं, लेकिन रिफॉर्मेशन का जो एक आप तरीका जो लेके आ रहा है, सी यहाँ में हमें एस सच वी डोंट हैव प्रॉब्लम विद द अपॉइंटमेंट, बट हमारा प्रॉब्लम कहाँ है? द प्रॉब्लम लाइज विद द चेयरमैन, जो नए अभी जो नो टू बी अपॉइंटेड चेयरमैन जो आने जा रहा है, इसका एज है 61 इयर्स। और आप सबको पता है एज ए चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, उसका रिटायरमेंट एज है 62 इयर्स।
दैट मींस ये चेयरमैन जो है सिर्फ एक साल के लिए आ रहा है, हाँ दिस इज क्लियरली नॉट अ रिफॉर्मेटिव इनिशिएटिव। यहाँ में हम लोग को ये पता चल रहा है कि देयर इज अ डिफरेंट एजेंडा बिहाइंड दैट, क्योंकि यहाँ में हम लोग को सब कुछ पता चल रहा है। यूपीएससी को हम लोग डे वन से बोल रहे हैं यूपीएससी को एंडोर्स करो, यूपीएससी को क्यों एंडोर्स नहीं कर पा रहा है? नाउ द आई थिंक द एक्चुअल ट्रूथ इज कमिंग आउट कि यहाँ पे आप ऐसा एक शख्स को आप चेयरमैन बनाने जा रहे हैं जिसका मेंटल स्टेबिलिटी अभी भी क्वेश्चनेबल है, और प्लस उसका जो एज फैक्टर है वो चीज को भी देख रहे हैं, प्लस एक जो मेंबर है जो रोजी तबा जो मेंबर है उसका भी तो क्वेश्चनेबल कुछ कुछ फैक्टर्स है, वो भी तो इलीगल अपॉइंटमेंट का उसका भी एलिगेशन था इन द वुमेन, ये वुमेन अरुणाचल वुमेन कमीशन में भी उसका भी था। आई थिंक ऑल दिस आर अनआंसर्ड क्वेश्चंस व्हिच द स्टेट गवर्नमेंट हैज टू आंसर। यहाँ पे टू टाइम्स वी हैव अ मीटिंग द सेम पॉइंट वी हैव ऑलरेडी बीन रेज, जो आंसु और अपसु का डिमांड कब प्लेस किया 29th of September, इट्स बीन 6 months, ये लोग क्या कर रहा था अभी तक? अपसु के पास में मीडिया में कुछ आया? कुछ आया नहीं, कुछ डिसीजन आया? कुछ आया नहीं। रहा जो आप जो पूछ रहे हैं ये कमीशन का और ये जो रिफॉर्मेटिव पार्ट्स का, वी वेलकम दे, हम वेलकम किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, लेकिन वो लोग का हिजन एजेंडा को तभी पता चला है कि जब ये जो कमीशन जो चेयरमैन है इसका सिर्फ 61 ईयर्स है, दैट मींस ही विल बी एज्यूमिंग दिस व्हाट कॉल्ड चेयरमैन पोस्ट फॉर ओनली व्हाट कॉल्ड 1 ईयर्स, एक साल में ये क्या रिफॉर्मेशन लेके आएगा बोल के देखिए, एग्जाम कंडक्ट करने के लिए आएगा? क्यों कंडक्ट कर रहा है? क्योंकि हम लोग अभी यूपीएससी को डिमांड कर रहे जोर शोर से कर रहा है, इसलिए जल्दी जल्दी जस्ट कमीशन को कैसा सेटअप करना चाहिए वो कर रहा है। 6 महीना तक यूपीएससी को क्यों नहीं किया आप, उसका बाद में एक साल के भी लाओ कुछ रिपोर्ट में पास को आप करते रहिए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पे इंस्टीट ऑफ दे आर रिफॉर्मिंग दिस कमीशन, उसका इंटेंशन ऐसे है कि एग्जाम डिक्लेयर करना है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करना है, और एक साल का बाद में ये जब जो कमीशन का चेयरमैन है जब रिटायरमेंट होगा नया चेयरमैन अपॉइंट किया जाएगा, उसका इंटीग्रिटी को कोई नहीं पूछेगा क्योंकि एटमोस्फेयर अभी बुलाता है उस समय पे वो लोग करेगा, और वो लोग उस समय पे पुराना टेक्टिक्स जो लोग का अनफिनिश बिजनेस है पैसा का ट्रांजेक्शन होता है ये किया जाएगा, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं ये जो रिफॉर्मेशन का नाम पे दबा है। 2014 एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है ये हमारा हाथ में नहीं है, अगर हमारा बस में होता वी कुड हैव सॉल्व विद इन यू नो 6 months बैक। नाउ इट इज अप टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट जो है नाउ इट इज द गवर्नमेंट हु डिसाइडेड टू ड्रैग इन फॉर 6 months, नाउ स्टिल दे आर प्लानिंग टू ड्रैग इन फर्दर। अभी अभी ये सेम क्वेश्चन काइंडली आस्क टू द गवर्नमेंट, क्योंकि जो पीआरसी इशू था इट वॉज नॉट पीपल्स फॉल्ट, इट वॉज द गवर्नमेंट फॉल्ट, जो असेंबली में लेके आएगा जिससे निर्णय कौन किया, पब्लिक ने किया, गवर्नमेंट किया। अभी जो ओवर टेकिंग का जो काम कर रहा है दिस इज नॉट इनिशिएटिव फ्रॉम अस, दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये आप जो सवाल पूछ रहे हैं दिस क्वेश्चन यू शुड आस्क टू द गवर्नमेंट, बिकॉज वी ऑल्सो डू नॉट वांट दिस, जो भी यहाँ पे अनलॉफुल एक्ट है हम भी नहीं चाहते, लेकिन यहाँ पे अभी आप ऐसे कर दिया, यहाँ पे मीटिंग धरना पे धरना रैली पे रैली, वेयर शैल वी गो देन? अभी देखो अब ये बोल रहा है कि यू आर हैंडिंग इट टू यू नो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, दिस आई थिंक दिस इज अ रॉन्ग यू नो रॉन्ग नोशन। ये जो है दिस मूवमेंट दिस इशू बिलोंग्स टू ईच एंड एवरी अरुणाचली वेदर यू आर इन एन ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, तो अभी हम ये मूवमेंट को अरुणाचल को ही सौंप रहा है। नाउ लेट द पीपल डिसाइड, हूएवर हैज कम टू द रैली टुडे दे विल डिसाइड व्हाट टू डू। तो जो भी अभी आप जो भी लॉ एंड ऑर्डर का जो भी बात कर रहे हैं ये दिस पर्टिकुलर थिंग शुड गो टू द गवर्नमेंट, आप उसी को सेम सवाल को पूछिए। नहीं देखिए आप जो अभी सवाल पूछा आई थिंक यू हैव टू करेक्ट योर क्वेश्चन, इन नो वेयर वी हैव हैंडेड ओवर दिस केस टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। अभी आप बता के देखिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन को अभी हम लोग दिया? नो डोंट पुट द रॉन्ग पर्सन, जस्ट आई एम सेइंग आई हैव ऑलरेडी लिसन योर क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई एम
एंसरिंग यू, हम बोल रहे हैं कि आज जो हम लोग इशू को किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग हैंड ओवर नहीं किया, प्लीज मेक क्लियर ओके। हम लोग जो आज जो हम लोग जो इशू को और अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी जो लड़का डिप्राइव है, डिप्राइव टू डिप्राइव रहेगा, दे विल फाइट फॉर इट। अपार्ट फ्रॉम दैट 13 पॉइंट ऑफ डिमांड हैज बीन प्लेस्ड बाय द अंशु, है कि नहीं? वो डिमांड पेरे एस्पिरेंट का ही था। लाइक वाइज आज का जो हम लोग इशू को पेरेंट्स लोग जो टेकअप कर रहा है, कहीं पे बात नहीं करेगा, दे विल स्टिक टू ओनली 13 पॉइंट ऑफ डिमांड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द लेटेस्ट डेवलपमेंट ऑफ दिस ओवर टेकिंग सेरेमनी चेयरमैन, बस यही है। इसलिए यहाँ पे हम जनता को अनुरोध करता है कि वी एस एन पान अरुणाचल ज्वाइंट स्टीयरिंग कमेटी नो वेयर हैंडिंग ओवर दिस केस टू एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी पॉलिटिकल पार्टी। ये सिर्फ हम लोग अपना पेरेंट्स लड़का लोग अभी तक चुका है, इसलिए हम लोग पेरेंट्स को ही हो गया, ये एक पेरेंट्स बॉडी है, अदर देन दैट नो एनी ऑर्गेनाइजेशन इज देयर। समझ रहे हैं आप लोग? अगर मैं होता, क्योंकि मैं तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड के चेयरमैन बनेगा नहीं, अच्छा इंसान आपको बना दिया, तो अगर मैं यू सी चाबी व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज अनाउंस द बन कुल, नाउ यू टेल मी व्हिच ऑर्गेनाइजेशन, दिस वाई आई एम सेइंग वो लोग पेरेंट्स बॉडी फॉर्म किया है, ठीक है ना? नो प्रो देम, नो सोल दो तुम, ठीक है? नो अदर ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग एक से पेरेंट्स यहाँ पे फॉर्म करके एग्री पेरेंट्स वो लोग यहाँ पे इशू को उतारा है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम पे शायद वो लोग नहीं उतारा एज पर माई नॉलेज।